नमस्ते, मैं मीरा जाटव। खबर लहरिया से आइए सुनते हैं 1 मई की दिन भर की मुख्य खबरें। चित्रकूट जिला में भ्रष्टाचार और कानून के नाम पर सत्ता हासिल करने वाली योगी सरकार शराब माफियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। जिले में शराब माफिया खुलेआम निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बेच रहे हैं। महोबा जिले में दबंग दे रहे परिवार और लड़की पर तेजाब डाल चेहरा जलाने की धमकी। फैजाबाद जिले के पंडरंगा थाना में तैनात दरोगा अजय कुमार यादव पर महिला आरक्षी ने शादी का झांसा देकर लगाया यौन शोषण का आरोप। बहराइच जिला के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आर के बर्मा के घर छापेमारी। प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर कई बार हो चुकी थी शिकायत। अस्पताल में ड्यूटी के वक्त घर पर दे रहे थे मरीजों को इलाज। चित्रकूट जिला का बदहाल जिला अस्पताल, जहां किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। बिजली, पंखे, एसी सब शोपीस बनकर रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर के पत्रकार कमल शुक्ला के खिलाफ गत रविवार को रात 2 का मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा कथित तौर पर देश की न्यायपालिका और सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक कार्टून पोस्ट करने से जुड़ा है। 1 मई 2016 को मजदूर दिवस के मौके पर झारखंड के मजदूरों ने प्रधानमंत्री को 5 रुपए लौटाए। उस साल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी कानून मनरेगा में उनकी मजदूरी दर 5 रुपए ही बढ़ाई गई थी, जिसके विरोध में लिए गए उन्होंने यह तरीका अपनाया। अगले मजदूर दिवस पर उन्होंने 1 रुपए लौटाया, क्योंकि साल 2017-18 के लिए असम, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में उतनी ही राशि की बढ़ोतरी की गई थी। शुक्र है कि इस साल इन मजदूरों को प्रधानमंत्री को कुछ लौटाने की जरूरत नहीं पड़ी। शुरुआती झटकों से उबरते हुए जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से मिलने वाले राजस्व के लिहाज से सरकार को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। खबरों के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब जीएसटी से 1 महीने में मिले राजस्व आंकड़ा 1,00,000 करोड़ रुपए के पार हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलदाव में एक दलित किसान ने कुछ लोगों की फसल काटने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कथित रूप से उसे पीटा और जबरदस्ती पेशाब पिलाया। पुलिस के पास गई एनडीटीवी की रिपोर्टर के मुताबिक पुलिस ने विजय सिंह, विक्रम सिंह, सोमपाल सिंह और पिंकू नाम के 4 किसानों पर मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने पाकिस्तानी मूल के सांसद साजिद जावेद को ब्रिटेन का नया गृह मंत्री बनाया। इस अहम पद पर 48 वर्ष से साजिद की नियुक्ति की गई। ये रही आज की मुख्य खबरें। कल की मुख्य खबरों के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।